गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो अभी हम लोग पहली बार लाइव क्लास के अंदर आए हैं करंट अफेयर के लिए। सो ये वो चीज़ है वो जो नहीं करना चाहता था कभी, यूट्यूब पे नहीं आना चाहता था, कुछ टेक्निकल वजह से हम लोग ऐप की जगह हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं आज। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम वाई इन न्यूज़। द यूनियन फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एम्फेसाइजेस दैट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट गिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। शी हाईलाइटेड दैट ओवर 60% ऑफ द लोन डिसबर्स्ड अंडर द पीएमएमवाई स्कीम आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब नाउ द पॉइंट इज के शी इज सेइंग निर्मला सीतारमन के वुमेन को प्रायोरिटी मिलेगी, अभी जब हम लोग मुद्रा योजना जो भी होगी उसमें वुमेन को प्रायोरिटी मिलेगी। अब प्रायोरिटी मिलने का प्रोसेस क्या है कि मुद्रा योजना में गवर्नमेंट फंड तो प्रोवाइड करती है बट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फंड थ्रू द बैंक्स। तो बैंक्स के थ्रू जो अलग अलग कैटेगरीज हैं लोन लेने के लिए एलिजिबल लोगों की, तो गवर्नमेंट ने जो कैटेगरी बना रखी है उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट लोन डिस्ट्रीब्यूट करेगी। बट अकॉर्डिंग टू निर्मला सीतारमन ये जो प्रायोरिटी मिलेगी तो नाउ वी आर गिविंग प्रायोरिटी टू द वुमेन ऑल्सो। तो PMMY नीड ऑब्जेक्टिव फीचर एलिजिबिलिटी क्या क्या है इसके अंदर, अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस एंड काउंटर चैलेंजेस इन एक्सेसिंग लोन्स थ्रू द ट्रेडिशनल चैनल्स ड्यू टू इश्यूज लाइक लैक ऑफ सिक्योरिटी एंड इनसफिशियंट फंड्स टू मीट हाई इंटरेस्ट रेट्स। इन रिस्पॉन्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इन 2015। प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना प्रोवाइड लोन अप टू ₹10 लाख फॉर नॉन कॉर्पोरेट्स को मिलेगा, कॉर्पोरेट्स को नहीं मिलता, नॉन कॉर्पोरेट को मिलेगा और नॉन फार्मिंग सेक्टर को मिलेगा, वहां के लिए लोन की कैटेगरी डिफरेंट है, वहां पर किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह है। एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस मुद्रा शॉर्ट फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसीज लिमिटेड सर्व्स एज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट दीज लोन्स फंडिंग द चैनल टू द नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर थ्रू various last mile financial institutions including banks, non-banking finance companies and micro finance institutions। तो इसके through मतलब government direct loan नहीं देगी, government अपनी तरफ से कोई direct loan नहीं देने वाली, बैंकों के through loan मिलेगा और loan के लिए अलग अलग categories हैं और इसमें NBFCs होंगी, micro finance institution या फिर बैंकों के through channelized way में loan मिलेगा जिसको भी loan चाहिए होगा। Eligible individuals can access benefits under PMMY by applying for loan from any of the mentioned institutions as Mudra does not directly lend to micro entrepreneurs into individuals. So category of loans under PMMY. So government ne loan dene ke liye kyunki India mein jo sabse ignored sections hain farmer hain aur micro small medium enterprises hain aur jinke paas bahut zyada उस तरह से सिक्योरिटी नहीं है कि बैंक से डायरेक्ट भी जाके लोन ले लेंगे, तो इनके थ्रू गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करेगी और लोन प्रोवाइड करने में जो असेंशियली इम्पॉर्टेंस ये है कि इसके अंदर प्रेशर रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की एजेंसीज की तरफ से बैंकों के ऊपर प्रेशर रहेगा कि आपको इस तरह से स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए MSMEs के लिए लोन डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इसकी कैटेगरीज हैं लोन लेने वालों की, उसमें कैटेगरीज आती हैं शिशु, किशोर एंड तरुण, तीन तरह से। सबसे छोटे यूनिट्स के लिए शिशु लोन है, फिर किशोर लोन है और फिर तरुण, मतलब तीन कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज के अंदर लोन डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड सिग्निफाइंग द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फंडिंग नीड्स ऑफ बेनिफिशियरीज माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर PMMY द स्टेट लेवल बैंक्स कमिटीज SLBC फॉर्म ओवरसीज द प्रोग्रेस ऑफ PMMY एट द स्टेट लेवल बाइल एट द नेशनल लेवल मॉनिटरिंग इज कैरिड आउट बाय मुद्रा डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुद्रा हैज डेवलप्ड अ पोर्टल फॉर रिपोर्टिंग अचीवमेंट्स वेयर बैंक्स एंड अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन डायरेक्टली इनपुट देयर डिटेल्स फैसिलिटेटिंग कंसोलिडेटिंग एंड रिपोर्ट जनरेशन फॉर द रिव्यू। अब नाउ द पॉइंट इज गवर्नमेंट का लोन देने का जो लॉजिक यही है कि इंडिया में जो हमारा शुरू से हम डिस्कस करते हैं मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद ये फोकस ये है कि MSME को जो है उनको प्रमोट करें, उनको फैसिलिटेट करें और उनको इनकरेज करें कि आप है ना नेशन बिल्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करो। और इंडिया में क्योंकि बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगने का पोटेंशियल जो है वो बहुत थोड़ा है और छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, उसके लिए उनको हेल्प करनी पड़ेगी। एंड देयर इज पॉसिबिलिटी कि उनमें से हो सकता है कि कुछ लोग डूब भी जाएं
एंड ये तो सरकार मान के चलती है कि हो सकता है कुछ हद तक नुकसान हो, बट द पॉइंट इज सपोर्ट करेंगे कहीं ना कहीं, जो थोड़ा बहुत नुकसान होगा गवर्नमेंट उसको बियर करेगी, पर द पॉइंट इज इनको एनकरेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे जिससे ये अपना काम शुरू कर सके। और अभी गवर्नमेंट का मेन टारगेट ये है कि इंडिया को एक्सपोर्ट हब बनाना है, यहां से हम चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट का जो टारगेट है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो अराउंड 4 ट्रिलियन के आसपास हम लोग पहुंचे हैं, तो 5 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी है क्योंकि इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर पोटेंशियल कंपैरेटिवली ज्यादा है छोटे लेवल के ऊपर इंडस्ट्री के लिए, तो उनको सपोर्ट करेंगे ताकि हम लोग एक्सपोर्ट कर सके। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, एनी इंडियन सिटीजन विद अ बिजनेस प्लान ऑफ नॉन फार्म इनकम जनरेशन एक्टिविटी सच एज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग और द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर बीपीओ केपीओ टाइप, कैन अप्लाई फॉर पीएमएवाई। द एप्लीकेशन शुड नॉट हैव defaulted on any bank or financial institutions and should maintain the satisfactory credit track record. तो पहले ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, कहीं काम करता रहा हो, छोटा मोटा उन्होंने उनका पहले बिजनेस हो या फिर उनका कुल मिला की है कि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा तो उसके इसके अंदर लोन जरूर मिलेगा। और तीन कैटेगरी हमने डिस्कस की है, उसके अंदर अभी बेनिफिट क्या है, नो कोलेटरल सिक्योरिटी, borrowers are not required to provide any form of collateral, eliminating the need of risk personal or business property for the funds. तो कोई पैसा वैसा आपको कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, collateral रखने की जरूरत नहीं है, और बिना collateral रखे आपको लोन मिलेंगे। Easy availability, the loan is readily accessible for entrepreneurs establishing micro sized enterprises across India and in various industry domains. Obviously सरकार बिना कुछ collateral रखे लोन देगी तो obviously थोड़ा पता investigate करके देगा, बैंक जो भी देगा investigate करके देगा। डिफॉल्टिंग प्रोसीजर, इन केस ऑफ डिफॉल्ट द गवर्नमेंट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रीपेमेंट, स्पेशली इन सिचुएशन ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस और लॉसेस ड्यू टू नेचुरल कॉजेस। अगर कहीं पर नेचुरल कॉजेस से कुछ हो गया और सरकार उस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी, बैंक को सरकार पे कर देगी। क्विक कैपिटल मुद्रा स्कीम लोन फॉर द माइक्रो साइज इंटरप्राइजेस आर इजिली अवेल्ड इन अ स्विफ्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर विद ऑलमोस्ट अप टू ₹10 लाख, तो 10 लाख रुपए तक के ये लोन क्विक कैपिटल अवेलेबल करवाए जाएंगे। एम्पावरिंग वुमेन, वुमेन एंटरप्रेनर्स रिसीव स्पेशल कंसेशनल बेनिफिट अंडर द मुद्रा स्कीम। तो निर्मला सीतारमन ने यही कहा है कि हम इनको वुमेन को ज्यादा प्रमोट करेंगे। रूरल एम्पावरमेंट, मुद्रा योजना लोन्स आर इक्वली एक्सेसिबल टू द स्मॉल स्केल बिजनेस इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज विद रूरल लोकल्स बेनिफिटिंग मोर ड्यू टू द एनहांस एक्सेसिबिलिटी। देखो इससे पहले गवर्नमेंट की ये स्कीम है, इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ इसी टाइप की स्कीमें हुआ करती जिसमें जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण रोजगार योजना, इस तरह की रोजगार योजनाएं पहले भी होती थी। अब ये है कि गवर्नमेंट जो है इनको दूसरे वे में, एक अलग वे में इनको प्रमोट कर रही है और लोन की रेशियो कंपैरेटिवली बढ़ गई। तो फ्लेक्सिबल रीपेमेंट है, इस एडवांटेज क्या है, व्हाइल द ऑप्शन फॉर द शॉर्टर रीपेमेंट पीरियड एग्जिस्ट, द लोन रीपेमेंट टाइम फ्रेम कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 7 ईयर्स तक लोन रीपेमेंट का पीरियड हो सकता है। तो इसका मतलब कोई भी छोटी इंडस्ट्री लगाने वाला आदमी जिसको 7 साल में पैसे पे करने हैं उसके लिए आसान रहेगा, छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में वो पे करता रहे। उसके बाद मल्टीपल क्रेडिट पॉसिबल, द मुद्रा स्कीम ऑफर्स डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेंडिंग माइक्रो यूनिट एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग फैसिलिटीज लाइक कैश क्रेडिट, इक्विपमेंट फाइनेंसिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे कैश क्रेडिट भी मिलेगा, अगर आपको मशीनरी वगैरह खरीदनी है उसके लिए भी आपको लोन मिलेगा। मुद्रा कार्ड, एंटरप्रेनर्स कैन अप्लाई फॉर द मुद्रा कार्ड प्रोवाइडिंग इंस्टेंट एंड सीमलेस एक्सेस टू द फंड्स एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। अगर ऐसे केस होगा तो उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाएंगे। अचीवमेंट फॉर प्राइम मिनिस्टर योजना, मुद्रा योजना, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना, सिंस द लॉन्च ऑफ द स्कीम मोर देन 40.82 करोड़ लोन्स अमाउंटिंग ऑफ रुपीज 23.2 लाख करोड़ हैव बीन सैंक्शनड, नोटेबली अराउंड 21% ऑफ द टोटल लोन्स हैव बीन सैंक्शनड टू द न्यू एंटरप्रेनर्स। तो नए लोगों को लोन दिए गए हैं ज्यादातर, विद अप्रोक्सीमेटली 69% डायरेक्टेड टूवर्ड्स वुमेन एंटरप्रेनर्स। तो फोकस वुमेन एंटरप्रेनर्स पर है, 51% टूवर्ड्स एससी एसटी ओबीसी कैटेगरीज और बोरोवर्स। इसके अलावा हमने डिस्कस भी किया था कि सरकार मल्टीपल लेवल के ऊपर अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे वहां पर हुनर स्कीम है और उस्ताद स्कीम है, वहां पर भी गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रमोट करें। उसके बाद एक सीसम की कैटेगरी, इसको सीसम लिखने में आता है पर बोलने में, प्रोनंसिएशन में, इट इज सेसमे। तो सेसमे तिल की एक कैटेगरी है, ये ओनातुकारा, ओनातुकारा एल्लू कल्टीवेटिंग एक्सीलेंस। तो इसकी एक कैटेगरी ये जो है ये साउथ इंडिया के अंदर
ओनातुकारा एलू के नाम से जीआई टैग्ड जो तिल की एक वैरायटी है, जिसको सेसमे जो है तिल उसकी वैरायटी है, और इसका कलर जो है देखो ब्लैक है। नॉर्मली हम जो तिल देखते हैं वो सफेद कलर के तिल होते हैं सेसमे, और ये ब्लैक कलर के हैं, तो काले तिलों की कैटेगरी है जो हेल्थ बेनिफिट जिसके बहुत ज्यादा है, एंड इट इज हैविंग द जीआई टैग, है ना। तो जीआई इंडिकेटर इसके साथ है, जीआई टैग इसको मिला हुआ है। तो सेसमे वैरायटी लोकली नोन एज ओनातुकारा एलू has garnered attention not only for the delicious taste but also for the myriad health benefits bring to the table. तो क्योंकि इसके health benefit भी हैं और इसका अपनी एक advantage है, advantage ये कि इसका पहली बात black color है, उसके बाद इसके GI tag इसको मिला हुआ है, और इसके अपने एक health benefit, health benefit कौन कौन से आगे चलकर हम discuss करेंगे, और उसके अलावा इसका एक unique taste है। About Onatukara sesame cultivating origin, Onatukara sesame और Onatukara aloo is exclusively cultivated in the picturesque landscape of the Kerala, कुल मिला के केरला के अंदर ये जो सेसमे है, ये जो तिल है वो केरला के अंदर उगाया जा रहा है, और वहां का जीआई टैग है, केरला का जीआई टैग इसको मिला हुआ है। हेल्थ मार्वल क्या है, द फेम ऑफ Onatukara aloo extend to both its seeds and the oil derived from them, renowned for the unique health benefits. Here are some highlights. पहले क्या है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, Onatukara aloo boasts a relatively higher antioxidant content contributing to its prowess in the combating free radicals that can wreak havoc in the body cells. So point is, to body cells ko improve karta hai, body cell ko repair karta hai ye Onatukara sesame. Uske baad heart healthy with the high content of unsaturated fat hai, this sesame variety proves to be particularly beneficial for the individuals with heart condition, jinke heart weak hain उनके लिए Onatukara sesame जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। विटामिन ई है इसके अंदर, ट्रेजर ट्रॉव ऑफ द विटामिन ई, ऑफरिंग एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द वेरियस बॉडीली फंक्शंस। उसके बाद एसेंशियल फैटी एसिड्स है इसके अंदर, सो पैक्ड विद ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड एंड प्लेमेटोलिक एसिड एंड मोर, Onatukara aloo प्लेज एन वाइटल रोल इन द मेंटेनिंग ओवरऑल हेल्थ। तो फैटी एसिड जो भी एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, तो इट इज कैरिंग दोज एसेंशियल फैटी एसिड्स। उसके बाद की फैक्ट अबाउट जीआई टैग, डिस्टिंक्टिव साइन होता है, जिस जिस चीज को जीआई टैग मिलता है उसकी एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक क्वालिटी होती है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर इसको मिला है, टैग सर्विसेज आर डिस्टिंक्टिव साइन अप्लाइड टू प्रोडक्ट दैट ओ देयर यूनिक क्वालिटीज और रेपुटेशन टू देयर स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन। एप्लीकेशन स्पेक्ट्रम, व्हाइल कॉमनली यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, GI tags also find their place or foodstuffs, foodstuffs, wine and spirit drink, handicraft and industry product. हम लोग कई सारी चीजों के अंदर देखा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट को GI tag मिला है, तो GI tag उस स्पेसिफिक एरिया की आइडेंटिटी और स्पेसिफिक प्रोडक्ट की एक यूनिकनेस को डेवलप कर देता है। तो Onatukara aloo को GI tag मिला है और केरला के अंदर होता है, हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं इसके, इसके अलावा इसका यूनिक टेस्ट है। Legal framework, the geographical indications of the goods registration and protection act 1999 is the legislative backbone that aim to register and enhance the protection of geographical indicators concerning goods in India. Uske baad validity period, once adorned with GI tag it remains valid for a period of 10 years. The kisi bhi cheez ko agar GI tag milta hai to 10 saal tak wo uske paas hi rehta hai. Post this tenure, renewal becomes an option to ensure the continuous recognition and safeguarding the geographical indicator. तो 10 साल के अंदर अंदर अगर किसी को दोबारा उसको लाइसेंस उसका दोबारा लेना है, तो उसके लिए दोबारा हो जाएगा इशू, ताकि वो लगातार उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी बनी रहे। The endeavor to promote and expand the cultivation of Onatukara sesame not only contribute to the agriculture prosperity but also showcase the rich tapestry of Kerala agro heritage. And this culinary gem continues to make waves for its distinctive quality. The synergy between tradition and the innovation propels the journey of Onatukara aloo into the new realms of recognition of the appreciation. Like, third news, जो इंदिरा गांधी पीस प्राइस से रिलेटेड है, ध्यान रखना कि ये जो इंदिरा गांधी पीस प्राइस है, ये अलग अलग एरियाज में जो सर्विसेज हैं उनके लिए दिया जाता है, और इसको देने के लिए Recent announcement of prestigious Indira Gandhi Peace and Disarmament Development for the year 2022 have been jointly confirmed to Indian Medical Association and Trained Nurses Association of India, in dono ko mila hai. This recognition serves as tribute to
the resilience and dedication to the COVID-19 warriors who have been in the forefront of the battling the global pandemic. Institution about Indira Gandhi Peace Prize kya hai? Institution in memory, the Indira Gandhi Prize of Peace, Disarmament, Development came into existence in 1986 mein banaya gaya tha, established in the memory of Prime Minister Indira Gandhi. Recognition and reward, the prize comprises of monetary award of 25 lakh 25 lakh rupees hote hain, coupled with the citation symbolizing acknowledgement and encouragement of outstanding contribution to the field. Objective and scope kya hai? The distinguished award is bestowed upon the individuals of organization that demonstrate a commitment to fostering international peace and development. So normally international peace and development ke liye diya jata hai aur isme kai baar is award ko kuch foreigners ko bhi diya hai inhone. Theek aur international peace aur uske liye international peace ke liye aur demonstrating the commitment ke liye and development ke liye diya jata hai. It recognizes efforts to utilize scientific discoveries for the advancement of freedom and betterment of humanity and the establishment of new international economic order. Noteworthy past recipients kaun hai iske andar? Mikhail Gorbachev ko mila tha 1987 ke andar, Russia ke president the. UNICEF 1989 mein, Jimmy Carter ko 1987 mein, UNN Kofi Annan 2003, Angela Merkel 13, Indian Research and Space Organization ISRO ko 2014 mein, Manmohan Singh saab ko 2017 mein, Sir David Attenborough 2019 में celebrating the renowned naturalist and broadcaster. उसके बाद प्रथम NGO को मिला 2021 में recognizing the NGO's impactful work in the education. उसके बाद the latest recipient of Indian Medical Association and Trained Nurses Association of India joined this esteemed list of their unwavering commitment to and sacrifices in the battle against the COVID-19 pandemic के लिए इनको दिया गया है. Continue to serve as the beacon, spotlighting those who are strive for the more peaceful, just and harmonious world mein jo kaam karte hain, un sabko ye award diya jata hai. Uske baad beware of scattered spiders, FBI issue warning to the cyber threat. To ye cyber attackers hain, naam diya hai inko spiders, scattered spiders. To FBI ne warning issue ki hai aur ye hackers ka group hai. Aur recent cyber security alert, Federal Bureau of Investigation FBI has cautioned organizations about the activities of hacking group known as Scattered Spiders. The group has gained notoriety for its incursion into the various organizations globally, employing tactics that demand heighten the vigilance. So is tarah se kyunki hackers ka group hai aur ye internet mein active hain, तो एफबीआई ने वार्निंग इशू दी है. अलग अलग जगहों पर इनको अलग अलग मौकों के ऊपर अलग अलग नाम दिए जाते हैं. अब ये नाम दिया गया है तो एंड एलियासेस एंड नोटोरियस एक्टिविटीज. स्कैटर्ड स्पाइडर्स ऑपरेट्स अंडर द वेरियस एलियासेस इंक्लूडिंग स्टार फ्रॉड एंड यूएनसी 3944, स्कैटर्ड स्वाइन एंड मडल लिब्रा. द हैकिंग ग्रुप इज इनफेमस फॉर द इनफिल्ट्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड. दुनिया में अलग अलग जगहों के ऊपर इन लोगों ने साइबर अटैक किए हैं, इस करके इनके कई सारे नाम हैं. स्टार फ्रॉड भी है, स्कैटर्ड स्वाइन भी है और इनके अलग अलग नाम हैं. तो अभी ये नाम लेटेस्ट इनको दिया गया है. एज एंड लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी, नोटेबली मेंबर्स ऑफ द स्कैटर्ड स्पाइडर्स आर रिपोर्टेड टू बी एज यंग एन 16 ईयर से लेके आगे उसकी उम्र कुछ भी हो सकती है, 16 साल से लेके. ये हैकर्स हैं विद इंग्लिश एंड देयर प्राइमरी लैंग्वेज, इंग्लिश इनकी मेन लैंग्वेज है. ऑपरेशनल अप्रोच, तो आपसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है प्रीलिम के अंदर कि स्कैटर्ड स्पाइडर क्या है, या फिर मेंस में इसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं कि स्कैटर स्पाइडर टाइप के ग्रुप थे जिनको एफबीआई ने जिनके बारे में नोटिफिकेशन इशू किया था, क्योंकि एआई और उसके साथ मिसयूजेस हैं तो उसके साथ जोड़ के इसको देखा जा सकता है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. और अभी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आई है कि गवर्नमेंट जो है डीप फेक्स के लिए हो सकता है बड़ी जल्दी कोई नया एक्ट या नया लॉ लेके आ जाए. तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आईटी सेक्टर में इस तरह की आईटी के लिए बारे में जब हम लोग लिखेंगे मेंस के सेक्शन में तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा. प्रीलिम के लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि क्या ग्रुप का क्या नाम है और क्या काम करता है और उसके बाद क्या खासियत है, उसको एक 1, 2, 3, 4 में बना के इनके बारे में पूरा डिटेल पूछ ले. सोशल इंजीनियरिंग, इनका मॉडल्स ऑपरेंडी क्या है एंड सोशल इंजीनियरिंग है टैक्टिक्स. स्कैटर्ड स्पाइडर्स एम्प्लॉय फेक प्रोफाइल्स एंड इंप्रेशंस impersonations to deceive organizations help desk gaining the unauthorized access. Surveillance and secrecy, once inside the hackers monitor internal communication channel, keeping tabs and email
for the conversation that might reveal detection of their breach. तो कुल मिला के अपने में अपने अंदर ये इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखेंगे और अपने अंदर सीक्रेटली ये काम करते हैं और सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं. और एक्टिव पार्टिसिपेशन द रिस्पॉन्स सेल द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ देयर स्ट्रेटजी इन्वॉल्व एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इंडिकेटिंग रेमेडिएशन एंड रिस्पॉन्स सेल्स दे अलाउ देम टू अंडरस्टैंड हाउ सिक्योरली सिक्योरिटी टीम्स आर एड्रेसिंग देयर एक्टिविटीज एंड अडेप्ट अकॉर्डिंगली. How to stay safe? The FBI recommends several cybersecurity measures to safeguard against threats like scattered spiders. So, क्या है इनके सबसे पहला important जो FBI जो 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 guidelines issue कर रही हैं, तो FBI कहती हैं कि सबसे पहले तो हैं कि आपको offline backup हमेशा बना के रखो, हर चीज अपनी online मत रखो. कल को computer आपका hack होता है, तो आपके पास अपना data होना चाहिए. Maintain offline backups for the critical data to mitigate the impact of potential ransomware attack. अब ये जो ऑफलाइन बैकअप्स हैं, ऑफलाइन बैकअप का मतलब है कुछ ऐसे कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो, या कुछ ऐसी डिवाइसेस, पेन ड्राइव और एसएसडी टाइप की कुछ डिवाइसेस और हार्ड डिस्क टाइप की डिवाइसेस, उनमें आप स्टोर कर सकते हो. पासवर्ड सिक्योरिटी, तो इंप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिटिक्स. और रिसेंट एक डेवलपमेंट हुई है, उसमें पता चला है कि 1 2 3 4 5 6 है ना, ये एक पासवर्ड ऐसा है जिसको कॉमनली बहुत सारे इंडियन यूज करते हैं और ये बहुत कॉमन है. तो इस तरह के सिंपल पासवर्ड होंगे तो कोई भी क्रैक कर लेगा. इंटरनेट से जाके कुछ लोग जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, आपके नाम के साथ आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, नाम डेट ऑफ बर्थ उसको बदल बदल के आगे पीछे लगा के आपका जो सोशल मीडिया वो है, जो आपके पेजेस हैं या फिर आपकी ईमेल इजीली हैक हो जाती है. पासवर्ड सिक्योरिटी, इंप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड पॉलिसीज रिक्वायरिंग ऑल अकाउंट्स टू हैव पासवर्ड लॉगिन, यूजर लॉगिन पासवर्ड रेंजिंग फ्रॉम ईच ऑफ 64 कैरेक्टर्स. Phishing resistance, MFA enforce phishing resistance, multi-factor authentication, MFA to add an extra layer of security. तो जैसे extra layer of security का मतलब ये होता है कि जैसे Gmail के accounts में अभी recently आपको देखने को मिला है कि अगर कोई किसी और computer से आपका account खुलता है तो आपसे वो password मांगता है, या फिर वो आपसे thumb impression मांगता है, या फिर वो जो digit आता है उसके ऊपर 64, 34 जो भी, वो कहता है कि पहले इस डिजिट को टाइप करो तब जाके वो डिवाइस के ऊपर वो लॉगिन होता है, अदरवाइज लॉगिन ही नहीं होगा. तो यहाँ पर एक प्रोविजन ये है कि इस तरह से कुछ कर सकते हैं. और उसके बाद ईमेल सेफ्टी है, डिसेबल हाइपरलिंक्स इन द ईमेल टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉलिंग विक्टिम ऑफ द फिशिंग अटेम्प्ट. उसके बाद डाटा इंक्रिप्शन है, इंश्योर दैट ऑल सेंसिटिव डाटा इज इंक्रिप्टेड एंड प्रोटेक्टेड अंडर द अनऑथराइज्ड एक्सेस. विजिलेंस एंड प्रोएक्टिव साइबर सिक्योरिटी मेजर्स आर कर्टेल द फेस ऑफ इवॉल्विंग थ्रेट्स लाइक स्कैटर्ड स्पाइडर्स. By adopting these recommended practices, organization can strengthen their defense and protect against potential breaches. And उसके बाद such hacking orchestrated by such hacking groups. तो कुल मिला के यही कि ये एक group है जिससे डर है cyber security का, cyber attack का. इनसे protection के लिए FBI ने warning issue की है, तो इसको इससे बचा जा सकता है जितने तरीके से आप बच सकते हैं. Governor's office and discretion in उसके बाद है navigating constitutional dimensions. Recent ये news आई है, पंजाब से शुरू हुआ, पंजाब के गवर्नर के साथ, इसी तरह तमिलनाडु के गवर्नर के साथ, बहुत सारी जगहों पर ऐसा हो रहा है कि विधानसभा से बिल पास हो जाता है. और क्योंकि हम लोगों ने जब हमला जो पॉलिटिकल सेक्शन है उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि गवर्नर, क्योंकि ये कई बार इनके लिए एक नेगेटिव टर्म भी यूज की जाती है कि सार्केस्टिक भी कहते हैं कि गवर्नर्स आर द एजेंट ऑफ गवर्नर आर द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. तो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो गवर्नर की बड़ी स्ट्रांग है, और पर एक लूप होल ये है कि अगर विधानसभा किसी बिल को पास कर देती है और बिल को पास करने के बाद वो अगर गवर्नर के पास भेजती है, या लोकसभा राज्यसभा से बिल पास हो जाने के जब प्रेजिडेंट के पास जाता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मैंशन नहीं है कि कितने दिनों के अंदर प्रेजिडेंट या गवर्नर उस स्पेसिफिक बिल को साइन करके उसको वापस भेजेंगे. तो होता क्या है कि जब क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी अगर स्टेट के अंदर वर्क कर रही है, और ऑपोजिशन पार्टी जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी या तमिलनाडु के अंदर जो डीएमके की गवर्नमेंट है, अगर वो काम कर रही है तो वो गवर्नर के पास बिल भेजती हैं, तो गवर्नर हो सकता है थोड़ा बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, है ना, तो उस पार्टी की आइडियोलॉजी ऑब्वियसली उसके ऊपर थोड़ी सी हावी रहती है. उस केस में गवर्नर हो सकता है बिल को साइन नहीं करे, बिल को होल्ड कर ले, प्रेजिडेंट के लिए जो है रिजर्व रख ले. और अगर गवर्नर साइन नहीं कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी सी डांट पड़ी है इनको, गवर्नर्स को, कि आपको साइन करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये फिर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो क्लैशेस शुरू हो जाएंगे. और नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए.
क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कॉपरेट करें तो ज्यादा बेटर है. अगर कॉपरेशन नहीं होगा देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली या इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये इंडियन इंडिया इंडियन डेमोक्रेसी के लिए ये ट्रेंड अच्छा नहीं है. अगर बार बार गवर्नर ऐसा करेंगे, कल को किसी और की सेंट्रल गवर्नमेंट सरकार आ जाएगी तो फिर ऐसा ही होगा, वो ऐसे टांग अड़ाएंगे, है ना. तो ये कोई नया बात नहीं है, ये शुरू से होया है, जो होता आया है जब से ये क्लैशेस शुरू हुए, खासतौर पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के बाद. जब दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर गवर्नर अपॉइंट होते थे तो पहले तो सरकारी सस्पेंड हो जाती थी, अब गवर्नर के थ्रू अपनी आइडियोलॉजी है उनको प्रमोट करते हैं और गवर्नर को भी गुड बुक्स में रहना होता है, तो उस करके इस तरह से. सुप्रीम कोर्ट टू हियर तमिलनाडु केरला प्लीज अगेंस्ट द गवर्नर्स. तमिलनाडु गवर्नर आर एन रवि हैज रेज्ड आईब्रोज बाय विदहोल्डिंग असेंट टू द सर्टेन बिल्स पास्ड बाय तमिलनाडु एजेड असेंबली. द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्रेस्ड सीरियस कंसर्न ओवर सच डिलेज, इक्वलिंग सिमिलर सेंटीमेंट्स टुवर्ड्स गवर्नर ऑफ तेलंगाना पंजाब एंड केरला. सेम चीजें, जहां जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है वहां वहां पर गवर्नर हो सकता है कि अपने बॉसेस को खुश करने के लिए ऐसा करते रहे होंगे या कर रहे हैं. So what does the constitution says? Article 200, when a legislature passes a bill presented to assent to the governor, has a four option. Kya kya option hai? Grant assent immediately, withhold assent, return the bill for the reconsideration, reserve the bill for the president consideration, discretionary power. Dekho, ab ye Punjab ka governor's house, sorry, discretionary power, the constitution originally granted governor more discretion in returning bills. However, amendments have emphasized their obligation to act on the advice of state cabinet. The Shamsher Singh case verdict clarified that the governor exercised power on the aid and advice of the council of minister. Ye Bengal ka hai, Bengal ka governor house hai. Aur do kyunki Indian constitution ki binding hai, the governor and president has to act on the aid and advice of council of ministers. To can a governor set a bill forever? While governor possess discretionary power in granting assent, this must align with the constitutional principles and compelling reasons rather than personal preferences. Article 200 use of shall implies a mandatory requirement for the governor and the discretionary should adhere to this. So governor article 200 mein jo mentioned hai that governor exercises power under advice of the council of minister. तो यहां पर जो शेल वर्ड है, शेल मींस इट इज मैंडेटरी. मैंडेटरी इंप्लाइज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द गवर्नर एंड देयर डिस्क्रिशन शुड एडहियर टू दिस. तो गवर्नर को अल्टीमेटली साइन करने पड़ेंगे. गवर्नर एक्ट, गवर्नर शेल एक्ट एंड एड एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. इट मींस गवर्नर को वही करना है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह रही है. बिकॉज द पॉइंट इज गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू द पीपल. ओनली द गवर्नमेंट हु इज वर्किंग देयर, दैट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल, नॉट गवर्नर. So there should not be the clashes. Sarkariya Commission 1987 emphasizes rare discretion. Aur hum logon ne apni political class mein discuss kiya tha that Indian constitution moves hand in hand, not like America, hai na. So Indian constitution mein hand in hand agar movement hai, to it means governor ko government ke sath cooperate karna chahiye aur government ko governor ki respect karni chahiye. Ab in dono mein ethically in dono mein decline hai, hai na. To ye ethical issue hai. तो पंजाब गवर्नमेंट में हम लोगों ने वोट वीएम सीन के भगवंत मान ने ओपन क्रिटिसाइज कर दिया ना, ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए और गवर्नर को भी एक्शन, दोनों के ऊपर थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, लिमिटेशंस होनी चाहिए. सरकारी कमीशन रिकमेंडेशंस क्या थी? एम्फेसाइज रेयर डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी इन रिजर्विंग बिल्स फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसीडरेशन, सजेस्टिंग अ मैक्सिमम 6 मंथ रेजोल्यूशन पीरियड विद कम्युनिकेटेड रीजंस फॉर विदहोल्डिंग असेंट व्हेन पॉसिबल. अब यहां पर they have emphasized on a rare discretionary authority in reserving bill for the president's consideration. So, kuch rare cases ke andar president ke liye bill reserve rakhe ja sakte hain aur 6 mahine ke andar unka bhi solution ho jana chahiye. And Panchi Commission 2010 ki recommendation kya hai? Decision on bill within 6 months, but these proposals remain unimplemented. So, inke upar kaam hi nahi hoga, kyunki recommendation thi na, binding to thi nahi kabhi. So, Supreme Court observation kya hai? Purushottaman a Nambudiri versus state of Kerala case ke andar no specific time limit imposed for governor for providing assent.
Governor must align action with the will of the legislature and operate in harmony with the Council of Ministers. वही करना है जो Council of Ministers कहेगी Governor. Withholding assent to validity passed law is a direct attack on the federal structure, causing delay, contradict constitutional spirit. तो constitutional spirit के against ही है Governor versus अगर CM हो जाए तो. Other constitutional positions related to the Governor. Article 153 mandate governor appointment in each state with the 7th amendment allowing the same person to be the governor of multiple states. Governor appointment in each state with the 7th amendment allowing the same person to be the governor of multiple states. Ek individual, ek se zyada state ka governor ho sakta hai. Article 153. Article 154 grants executive power over a state to the governor exercised directly to through the subordinate officials. गवर्नर अपने सबॉर्डिनेट्स की हेल्प से स्टेट के जो इश्यूज हैं, स्टेट के जो वर्क हैं, और उनको रन करेगा. सबॉर्डिनेट ऑफिस सबॉर्डिनेट के अंदर बाकी सब सबॉर्डिनेट ही आते हैं. आर्टिकल 163 एस्टैब्लिशेस अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू असिस्ट एंड एडवाइस द गवर्नर एक्सेप्ट व्हेन डिस्क्रिशन इज रिक्वायर्ड. गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स मिली हैं, अदरवाइज गवर्नर की हेल्प करने के लिए देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. And governor has to act on the advice of council of minister. Article 164, the council is collectively responsible to the state legislature assembly forming the cornerstone of the state's parliamentary system. The governor, while holding executive, legislative and financial judicial authorities, operate with a defined boundary compared to the president, lacking certain military, diplomatic and emergency powers. Uske baad, tantalum unearthed a rare discovery in the Satluj river. So ek naya रेयर अर्थ मेटल मिला है, टेंटलम नाम दिया उसको, और फीचर्स और खासियत कई सारी हैं उसके अंदर. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि सतलुज रिवर के उसके आसपास के इलाकों के अंदर मिला है और आईआईटी रोपड़ ने इसको डिस्कवर किया है. आईआईटी रोपड़ ने रीसेंट रिसर्च में इसको फाइंड किया है. द टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी आईआईटी रोपड़ हैज मेड ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी टू प्रेजेंस ऑफ टेंटलम अ रेयर मेटल इन द सैंड ऑफ द सतलुज रिवर इन पंजाब. The revelation carries significant implications, specifically in the realm of the electronics and semiconductors. अब देखो, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि केरला की सैंड्स में एक खास किस्म का मटेरियल मिलता है, that is thorium, है ना? तो similarly यहाँ पर टेंटलम मिला है, और किसकी रेत में? सतलुज की रेत के अंदर. और थोरियम की अपनी प्रॉपर्टीज है ना, तो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज है. What is today's article? Tantalum क्या है इसके अंदर? Uses of tantalum कहाँ मिला है? Tantalum, so this is tantalum and 73A tantalum. So tantalum is a rare metal with atomic number 73 hai. It is characterized by gray color or heaviness, exceptional hardness and remarkable corrosion resistance. Ab remarkable corrosion resistance hai, iski sabse badi khasiyat ye hai ki ye ghasta nahi hai. To iska matlab ye hai ki kuch ye titanium ki tarah hai, और टाइटेनियम में भी सेम क्वालिटी से वो घसता नहीं है. तो इसका मतलब है उन सभी इंडस्ट्रीज में जहां पर कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स जरूरी होते हैं, जहां पर जो घस जाते हैं चलते चलते, जिनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा है, वहां पर ये बहुत इफेक्टिवली काम करेगा. या फिर ये सब्स्टिट्यूट हो सकता है टाइटेनियम का ना. और यस, टाइटेनियम का कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रे कलर, हैवीनेस हो गया. उसके बाद विद एन एक्सीडिंगली हाई मेल्टिंग पॉइंट surpassed only tungsten and rhenium. उसके बाद rhenium है, उसके बाद tantalum holds a unique place among metals. अब reason उसके पीछे यही है कि surpasses, क्योंकि इसका जो melting point है बहुत high है. तो high जैसे stainless steel का melting point high होता है, तो stainless steel के melting point से ज़्यादा melting point है. इसका मतलब यह है कि melt जो है जल्दी melt नहीं होगा, इसका मतलब जल्दी गर्म नहीं होगा, जल्दी गर्म नहीं होगा, जल्दी घसेगा नहीं, जल्दी घसनेगा नहीं. इसका मतलब है बहुत सारी जगहों पर इसका यूज हो सकता है, स्पेशली सेमीकंडक्टर में भी इसका यूज हो सकता है. प्रॉपर्टीज क्या है? डेमोंस्ट्रेट हाई कोरोजन रेजिस्टेंस फॉर्मिंग अ टेंशियस ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर. तो जब एयर में आता है तो इसके बाद टेंशियस ऑक्साइड लेयर इसके ऊपर एक जो है वो डेवलप हो जाती है. डक्टाइल इन इट्स प्योर फॉर्म कैपेबल ऑफ बीइंग स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स विदाउट ब्रेकिंग. क्योंकि ब्रेक नहीं होता तो इसकी लंबी लंबी वायर खिंच जाएंगी. तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इसका यूज हो सकता है. ऑलमोस्ट एंटायरली इम्यून टू केमिकल अटैक्स एंड टेम्परेचर बिलो 150 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर बिलो 150 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रॉपर्टीज में कैरी कर सकता है तो इसका मतलब तो ये
हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन है उसमें भी इसका यूजेज हो सकता है। तो इसका मतलब डिस्कवर्ड इन 1802 बाय स्वीडिश केमिस्ट एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग इन मिनरल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्वीडन येटरबी स्वीडन। यूजर्स ऑफ टेंटलम इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है, प्रोमिनेंटली यूज फॉर कैपेसिटर्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इनेबलिंग एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज इन द कॉम्पैक्ट साइजेस। Ideal for the portable electronic devices like smartphone, laptop and digital cameras. Substitute of platinum. तो titanium नहीं, वो जो मैं ये शब्द आपको use कर, titanium नहीं है वो, metal जो है वो platinum है। Platinum hard होता है और मुझे लगता है second, शायद second precious metal होता है after gold, ये titanium, platinum, not titanium, platinum. You valued as substitute of platinum due to its high melting point offering cost effective alternatives. तो कभी कभी आपने YouTube पे बहुत सारी videos हैं जहां पर ये platinum से कुछ जो है jewelry बनाते हुए दिखते हैं। Platinum steel जैसा दिखता है, steel जैसा दिखता है और शायद gold के बाद सबसे महंगा, क्योंकि value comparatively नए की तो होती है, अभी उतना famous नहीं हुआ है। तो अमेरिका या फिर यूरोप के अंदर इसके यूजेज है, क्योंकि वहां पर उन लोगों को गोल्ड की तरह ज्वेलरी नहीं पहनी होती, उनको वो प्रीशियस स्टोन उसके अंदर डालने होते हैं ना, तो उसके लिए प्लेटिनम उनके लिए बहुत इफेक्टिव रहता है। प्लेटिनम की खासियत क्या है कि ये जैसे गोल्ड के अंदर अगर आप कोई अप्रीशियस मेटल जो है, प्रीशियस जो स्टोन है उसको फिट करते हैं, तो गोल्ड जो है वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट मेटल है, तो उसमें वो उनके निकलने का डर होता है। तो अगर इस तरह के मेटल में, प्लेटिनम टाइप के मेटल में इसको जोड़ा जाता है, फिक्स करते हैं, इसको ज्वेलरी का पार्ट बनाते हैं, तो उसमें से निकलने का डर नहीं रहता। तो हमारे यहाँ पर 24 कैरेट गोल्ड गोल्ड का ट्रेंड है और अमेरिका या फिर यूरोप के अंदर 18 कैरेट गोल्ड का ट्रेंड है ना, तो उनकी बॉडी के ऊपर शायद गोल्ड उतना सूट भी नहीं करता है, तो वहां पर उनको जो सूट करता है उस तरह से इस तरह की हार्ड मेटल है जिसमें प्रीशियस स्टोन होल्ड करके रखे जा सकते हैं, तो ये उसका सब्सटीट्यूट हो सकता है, प्लेटिनम का सब्सटीट्यूट हो सकता है। मेडिकल एप्लीकेशन क्या है, यूज एज सर्जिकल इक्विपमेंट इम्प्लांट्स डज नॉट रिएक्ट विद द बॉडीली फ्लूइड्स, तो बॉडीली फ्लूइड्स के साथ नहीं करता, जिस करके स्टील की जो कैटेगरी होती है 304 ना, स्टील की कैटेगरी होती है, स्टेनलेस स्टील की 304 यूज किया जाता है, और यहाँ पर ये बॉडीली फ्लूइड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, इस करके ये वहां के लिए भी बेटर है, मेडिकल साइंस में भी बेटर रहेगा इसका यूजेजेस। हाई स्पीड टूल्स में टेंटलम कार्बाइड एंड ग्रेफाइट कंपोजिशन इज वन ऑफ द हार्डेस्ट मटीरियल यूटिलाइज्ड इन द कटिंग एज ऑफ हाई स्पीड मशीन टूल, जिसको मैंने कहा क्योंकि ये गर्म नहीं होगा जल्दी तो ऑब्वियसली घसेगा भी नहीं है ना, तो जो फास्ट मूविंग जो फास्ट मूविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी है, इन सब जगहों पर इनका यूजेज जो है बहुत परफेक्टली हो सकता है, ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा भी होगा। तो डाइवर्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, एम्प्लॉयड इन केमिकल प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एरोस्पेस एंड मिसाइल कंपोनेंट, जिसको हमने डिस्कस किया अभी। सिग्निफिकेंटली द डिस्कवरी इन द सतलुज रिवर। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होल्ड क्रूशियल इंपॉर्टेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज, aligned with the India's recent initiative to boost semiconductor manufacturing. Critical mineral policy, aligned with India's critical mineral policy addressing the dependence on the imports of mineral like tantalum. अब obviously क्योंकि rare earth metal है तो इंडिया में भी तो होता नहीं, तो उसके करके बाहर से मंगवाते रहे होंगे जहां जहां इसका usages है। तो reducing dependency on China, तो diminishes India's reliance on China for critical minerals, promoting self-sufficiency. Renewable energy goals support India's ambitious renewable energy targets for securing resources essential for the green energy transition. Economic impact potentially contribute to the state's economy for fostering the mining of valuable metals. The discovery of tantalum in the Satluj River does not only unveils a rare geological treasures but also hold the promise of transforming India's technological landscape aligning with the global shift towards sustainable and self-reliant practices. अब ये तो सिर्फ टेंटलम तक रह गया। दूसरा पॉइंट जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्योंकि ओल्ड फोल्ड ये जो लैंडमास है, क्योंकि ये ओल्ड फोल्ड लैंडमास है तो और जहां से सतलुज निकल के आती है, तो दैट इज फोल्डिंग और फॉल्टिंग का रिजल्ट है हिमालयस का। और हमने डिस्कस किया था कि क्योंकि ओल्ड लैंड मासेस में चाइना आता है, रशिया आता है, रशिया में बहुत ठंड होती है, तो चाइना उसको बहुत इफेक्टिवली यूज कर रहा है। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने क्लास में ज्योग्राफी की क्लास में डिस्कस किया था कि हिमालय में बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल्स हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया में उसकी हाइट कंपैरेटिवली ज्यादा है और चाइना में उसकी विड्थ ज्यादा है,
तो चाइना उनको ठीक से यूज कर रहा है। तो इंडिया में इसका मतलब ही है, ये चीज एक बार फिर प्रूव हो गई, जिसको हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि हिमालयस में बहुत सारे प्रीशियस और रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकते हैं, उसी के एग्जांपल जो है सतलुज से निकल के आना। इसका कोई सतलुज हिमालय से निकल के आती है, ठीक है। अब आपको यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि हिमालय किस गॉर्ज को क्रॉस करके इंडिया में एंटर करती है, ठीक। वो क्वेश्चन टेंटलम का है, तो जो टेंटलम न्यूज में है क्वेश्चन आपसे सतलुज से पूछ सकता है ना, और किस गॉर्ज से आती है, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, ठीक। इसके ऊपर डैम कौन सा बना है, आईआईटी रुड़की से क्वेश्चन हो सकता है कि किसने इसको रिसर्च किया है, तो मेंस के लिए पॉइंट हो जाएगा, और सॉरी जीएस जो अपना करंट अफेयर उसके लिए पॉइंट हो जाएगा, और मेंस के लिए टेंटलम उसके यूजेजेस, और ये हो सकता है मेंस के लिए इसका क्वेश्चन बन जाए कि इसके यूजेजेस क्या क्या हो सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे रिएक्ट करता है, किसके साथ नहीं करता है। तो नवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है, NASM-SR टेक्नोलॉजिकल ट्रम्प है इंडिया के लिए। हम ध्यान रखना बेटा, हम लोगों ने एंटी शिप मिसाइल हम लोगों ने डेवलप की है। तो शिप मिसाइल नॉर्मली क्या होता है कि शिप्स बहुत बड़ी होती हैं और शिप्स में बहुत लंबा चौड़ा अरेंजमेंट लगा होता है ताकि उन तक कोई मिसाइल जल्दी से पहुंच नहीं सकती। तो शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि चाइना हमारे टारगेट पर है या चाइना के टारगेट पर हम हैं, तो उस कंडीशन में वॉर स्ट्रेटेजी में, वॉर प्रैक्टिसेस में हर कंट्री अपने आप को एडवांस रखने की कोशिश करती है। इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू दिस एंड दे हैव डेवलप्ड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मिसाइल। इंडियन नेवी इन कोलैबोरेशन विद द DRDO अचीव्ड अ माइलस्टोन विद द सक्सेसफुल गाइडेड फ्लाइट ट्रायल्स फॉर द फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड नवल एंटी शिप मिसाइल। ध्यान रखना ये गाइडेड है, एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज है, लॉन्च्ड फ्रॉम सी किंग 42B हेलीकॉप्टर। This achievement marks a significant leap in the indigenous defense capabilities. So this is the qualities of missile. ये seeker bay है, इसके अंदर लगा हुआ warhead bay है, जैसे हमने discuss किया था warhead होगा front के ऊपर हमेशा, electronic bay होती है इसके अंदर, उसके बाद sustainable motor है यहाँ पर, और ये trial section है, ये booster का section है, और ये नीचे जो पीछे का section है jet walls वगैरह इसके अंदर लगे होंगे। तो this is the design of the missile. पर हमने डिस्कस किया हुआ है कि इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है मिसाइल की हमेशा वो सॉलिड फ्यूल से चलती है, तो इसमें भी सॉलिड फ्यूल ही यूज किए जाएंगे। और ध्यान रखना कि ये मिसाइल गाइडेड मिसाइल है, तो सरफेस के आसपास ही चलेगी, और क्योंकि हेलीकॉप्टर से लॉन्च की है तो शिप को टारगेट करने के लिए। सॉरी, Indigenous development, NASMR stand as the first air launched anti ship missile. Air launch होएगी, इसको मतलब helicopter aircraft से इसको launch करेंगे. Anti ship cruise missile है, developed specifically for the Indian Navy. और हम लोगों ने class में cruise missile और guided missile में first cruise missile, guided missile या फिर और ballistic missile का फर्क discuss किया था. क्रूज और गाइडेड मिसाइल के अंदर एडवांटेज ये है कि ये लोअर सरफेस के ऊपर उड़ती हैं, बहुत ऊंचा नहीं जाती, और ये हमेशा हॉरिजॉन्टली उड़ती हैं, वर्टिकल नहीं जाती। तो जो गाइडेड मिसाइल्स हैं, अब इनकी रेंज छोटी होती है, ये एक एस्पेक्ट होता है, ये बहुत बड़ी नहीं होती, 200-400 से लेके 500-600 किलोमीटर तक बनती है। उसमें ब्रह्मोस इंडिया की सबसे यूनिक मिसाइल है, वो भी गाइडेड है और क्रूज मिसाइल है। तो क्राफ्टेड अंडर द एक्सपर्टीज ऑफ DRDO, दिस मिसाइल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्राइड टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर अटैक हेलीकॉप्टर। तो डेवलपमेंट फ्रॉम अटैक हेलीकॉप्टर, डिजाइन टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम अटैक हेलीकॉप्टर, ऑफरिंग वर्सेटिलिटी इन नेवल ऑपरेशंस, रिप्लेसमेंट ऑफ सी ईगल मिसाइल। इससे पहले इंडिया सी ईगल मिसाइल यूज करता था, उसकी जगह ये आ गया। NASM-SR इज स्टेटेड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग सी ईगल मिसाइल्स करंटली इन यूज विद इन द नेवी। इंटीग्रेशन विद द नेवी न्यू हेलीकॉप्टर, द सी किंग हेलीकॉप्टर phase out NASM-SR expected to integrate with the new MH-60R multi-role helicopter, enhancing the navy aerial capabilities. MH-60R हम लोग कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस टाइप का हेलीकॉप्टर है ये। Advanced guided system equipped with state of the art and navigation system and integrated avionics, elevating precision and efficiency. इंडिजीनियस लॉन्चर टेक्नोलॉजी क्या है, लेटेस्ट एवियोनिक्स लगे हैं, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है
किसके अंदर रडार भी बहुत इफेक्टिव लगा होगा, तो जो इसके बाद इसका जो गाइडेड सिस्टम है बहुत एडवांस किस्म का होगा या बनाया गया है। इंट्रोड्यूसेस एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड लॉन्चर टेलर्ड फॉर द हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट। स्ट्राइकिंग रेंज इसकी कितनी है, तो मैक 08 की स्पीड से जाती है, इसका मतलब सुपरसोनिक स्पीड से नहीं उड़ती। बोस्टिंग अ स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर द मिसाइल कैन अचीव स्पीड्स ऑफ मैक 0.8 है, स्लोअर देन द स्पीड ऑफ द साउंड। तो ये सबसोनिक मिसाइल है। इमेजिनिंग इंफ्रारेड सीकर एम्प्लॉइज अ इमेजिनिंग इंफ्रारेड सीकर होमिंग ऑन द हीट एमिशन ऑफ द टारगेट विद एनहांस्ड एक्यूरेसी। और कल परसों की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो मिसाइलें हीट सीकर होती हैं, है ना, वो हीट के पीछे भागती हैं। इसका मतलब उनमें इंफ्रारेड जो है वो रडार लगा होता है, इंफ्रारेड सिस्टम्स लगे होते हैं, ताकि वो हीट के पीछे जाती हैं। तो इसका मतलब शिप बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करती होगी तभी उसको जाके हिट करेगी, है ना। तो वर्सेटाइल वॉरहेड, अब इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ स्पेसिफिकली उन्हीं शिप्स के लिए बना है जो शिप्स हीट प्रोड्यूस करती हैं या फिर जो डीजल से चलने वाली जो शिप्स हैं। अमेरिका के पास उसके पास बहुत बड़े एयरक्राफ्ट हैं जो न्यूक्लियर फ्यूल से चल रहे हैं, तो इसका मतलब उनके लिए नहीं, वो बहुत फ्यूचर की चीज है। और अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री ही उनको अफोर्ड कर सकती है, और इंडिया के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि ये भी काम कर रहे हैं, सबमरीन पर तो काम चल ही रहा है इंडिया में न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर, बाकी हम लोगों ने लीज पर ली हुई है रशिया से न्यूक्लियर सबमरीन। कैपेबल ऑफ कैरिंग 100 किलोग्राम वॉरहेड एम्पावरिंग टू सिंक पेट्रोल बोट्स एंड इन्फ्लिक्ट डैमेजेस टू द लार्जर वॉरशिप्स। तो सी स्किमिंग कैपेबिलिटीज ऑपरेट्स एट जस्ट 5 मीटर अबव द सी लेवल ड्यूरिंग इट्स अप्रोच एम्प्लॉइंग सी स्किमिंग द टैक्टिक्स मेक चैलेंजिंग फॉर द एनिमी रडार टू डिटेक्ट ट्रैक एंड काउंटर द सर्फेस एयर मिसाइल और गन्स। तो ऑब्वियसली जब ये मिसाइल सर्फेस से सिर्फ 5 मीटर ऊपर उठ के चल रही है, तो इसका मतलब इसको रडार नहीं पकड़ सकते जल्दी, ठीक। हमने डिस्कस किया था कि रडार ऊपर से आने वाले मिसाइलों को तो पकड़ लेते हैं, बट नॉर्मली क्रूज मिसाइल पकड़ना रडार के लिए मुश्किल हो जाता है। इसी करके जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है वो लीथल हो जाती है, ठीक, क्योंकि तो रडार की पकड़ में नहीं आएगी। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, टेक्नोलॉजिकल लीप। NASMSR रिप्रेजेंट अ पिवोटल स्टेप फॉर फॉरवर्डिंग इंडिजीनियस मिसाइल डेवलपमेंट एंड बोस्टिंग इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज। ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है इसके अंदर, इंटीग्रेशन विद द न्यू हेलीकॉप्टर्स इंश्योर एडेप्टेबिलिटी ऑफ इवॉल्विंग नवल रिक्वायरमेंट, इनहैंड प्रिसीशन एंड स्टेल्थ, एडवांस्ड गाइडेंस एंड सी स्किमिंग कैपेबिलिटीज इनहेंस द प्रिसीशन एंड स्टेल्थ ऑफ द नवल ऑपरेशंस। तो इसका मतलब यह है कि मिसाइल को पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि ये बहुत नीचे चल रही है, सिर्फ 5 मीटर ऊपर चल रही है। स्ट्रेटेजिक रिप्लेसमेंट, रिप्लेसिंग सी ईगल मिसाइल विद NSM मार्क्स अ स्ट्रेटेजिक अपग्रेड इन द नेवीज एंटीशिप मिसाइल आर्सेनल। नेक्स्ट आता है साथी पोर्टल एम्पावरिंग एस्पायरेंट्स फॉर द सक्सेस। तो स्टेट्स के लिए गाइडलाइंस आया है कि साथी पोर्टल के ऊपर आप जो स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए उनको हेल्प अवेलेबल करवाई जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द साथी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम पोर्टल एंड इनोवेटिंग प्लेटफॉर्म एम्ड एट प्रोवाइडिंग फ्री लर्निंग एंड असेसमेंट रिसोर्सेज फॉर द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। द MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन plans to reach out all states encouraging aspirants to leverage this valuable tool for exam preparation. Saathi exam is a pioneer initiative by the Ministry of Education to offer a free learning and assessment platform for the student aspiring to excel in the competitive examination. Inclusive learning, the platform addresses the financial constraints faced by some students for providing free guidance and coaching for the entrance exam. Khaas taur ke upar GE, NEET aur UPSC type ke liye shayad इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ डालो इसके अंदर, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। साथी कैटर्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ वेरियस लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स ऑफरिंग प्रिपरेशन मटेरियल इन इंग्लिश हिंदी एंड अदर रीजनल लैंग्वेजेस। दिस इंक्लूसिविटी इनेबल्स एस्पायरेंट्स टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स लाइक जी एंड नीट। बेसिकली तो उन्हीं के लिए, बियॉन्ड जी एंड नीट द प्लेटफॉर्म एक्सटेंड्स इट्स सपोर्ट टू कैंडिडेट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स सच एज कैट, गैट, यूपीएससी and more. It also allow candidates to experience coaching center like learning expert facility video. So video वगैरह provide करेंगे IIT, IIC से लोगों को बुलाया जाएगा. These videos aid student to understand the concept of revising weak topics and preparing for the competitive examination. तो Prutor AI program integration साथ ही leverage an indigenous developed AI program named Prutor crafting IIT Kanpur.
This technology enhances the learning experience for the aspirants. So key feature of the Sathi, entrance exam preparation material, comprehensive study material for the various entrance exam, GE and NEET ke liye hai. Regional languages ke andar video available karayenge, webinar for the preparation ideas ke liye, GE NEET ke liye webinar karwaye jayenge. Interactive sessions honge. Solubility session allows students to encourage interactively in problem solving. Motivation session honge iske andar, na alag alag motivators aayenge. To kul mila ke गवर्नमेंट को टारगेट ये है कि बच्चों को ठीक से एजुकेशन दें। अब उसके बाद एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023 इंडो यूएस स्पेशल फोर्सेस कोलैबोरेशन है। रीसेंट रिकमेंडेशन क्या है? 14th एडिशन ऑफ इंडो यूएस स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023। अब हमने इससे पहले भी कुछ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस डिस्कस की थी, एक बार उसको एक बार जाके आप लोग दोबारा देख लेना कौन कौन सी हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने की है जितनी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको एक बार जाके दोबारा देख लेना। किक्ड ऑफ द ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड ऑफ उमरोए मेघालय के अंदर द कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस एम्स टू फोस्टर म्यूचुअल लर्निंग एंड एनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि इनको खास किस्म का ट्रेन अवेलेबल कराएंगे इस तरह के एरिया में अमेरिकन फोर्सेज की ट्रेनिंग होगी। तो इंडियन फोर्सेज और अमेरिकन फोर्सेज को ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में करती रहती है तो इससे एक दूसरे को एडवांटेज होता है, हमें उनसे और उनको हमसे सीखने को मिलता है जॉइंट। उसके अलावा यह है कि आपस में कॉर्डियल रिलेशन देशों के अच्छे होते हैं। तो कंडक्टेड जॉइंटली बाय इंडियन आर्मी एंड यूएस आर्मी स्पेशल फोर्सेस वज्र प्रहार फोकसेस ऑन शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंस इन एरिया सच एज जॉइंट मिशन प्लानिंग एंड ऑपरेशनल टैक्टिक्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? एम टू एनहांस द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज बिटवीन द टू स्पेशल फोर्सेस फोस्टरिंग एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ जॉइंट ऑपरेशन स्ट्रेटेजिक strategies. So, addition history kya hai? Inaugural addition took place in 2010. The inaugural addition took place 2010 ke andar ye start hua tha. India and the current addition makes it 14th interaction of this Indo-US Joint Special Forces exercise. Participant kaun kaun hai? The US contingent comprises personal form of 1st Special Forces Group SFG of the US Special Forces ki taraf se aaya hai. On Indian Army contingent is led by special forces personnel from the eastern command. Ab isko hum log kahan use kar sakte, iska kya question aa sakta? Prelim mein to straight forward question hai na, kahan hui hai pehli baat, ye kahan hui hai aur iska naam kya hai, aur iska naam pooch ke wo pooch lenge kaun kaun si do countries ke beech mein hota hai. Dusra question jo prelim ke liye ban raha hai wo hai ki Umroi cantonment Meghalaya ke andar ye hui hai aur state pooch sakte hain kaun kaun si ho sakti hai. और दूसरा जब हम लोग मेंस के लिए इसका आंसर लिखेंगे तो उसमें हम लोग इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम अमेरिका इंडिया रिलेशंस के बीच में हम इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम या फिर इंटरनेशनल कॉपरेशंस के लिए जो भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएंगे मेंस के लिए उसमें हम इसको ठीक से मेंशन कर सकते हैं कि ये इस तरह से है और इंडिया अमेरिका के बीच में कॉपरेशन बढ़ रही है, खासतौर पर जो क्वेश्चन आएगा इंडिया अमेरिका रिलेशंस को लेके। ठीक, उसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन एनहांसमेंट बियॉन्ड टेक्टिकल ट्रेनिंग वज्र प्रहार सर्व्स एज प्लेटफॉर्म टू स्ट्रेंथन डिफेंस कोऑपरेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिग्निफिकेंस क्या है? म्यूचुअल लर्निंग है, दोनों एक दूसरे से सीखेंगे, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन होगा, ज्वाइंट मिशन प्लानिंग एक्सरसाइज, कोलैबोरेशन ऑपरेशन टैक्टिक्स हेल्प इन डिफाइनिंग coordinating and seamless integration during the special forces operations. उसके बाद inter-force cooperation है, वज्र प्रहार reinforces the importance of inter-forces cooperation है, laying the foundation of effective collaboration and diverse challenges scenario. International defense ties वही strong होते हैं, India-America relations strong होंगे। उसके साथ ही exercise वज्र प्रहार continues to play pivotal role in the building robust partnership and capabilities in ensuring that the special forces both nations are well prepared for the dynamic challenges of the modern warfare. उसके बाद ऑस्ट्रो-हिंद, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की फोर्सेस के बीच में है। ठीक, और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंगेज इन ऑस्ट्रो-हिंद 23 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डाउन अंडर। रीसेंट डेवलपमेंट, एन 81 मेंबर कंटिंजेंट ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैज सेट सेल टू ऑस्ट्रेलिया फॉर पार्टिसिपेट इन द सेकेंड इटरेशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रो-हिंद। इनसाइट ऑफ द एक्सरसाइज क्या है इसके अंदर? इंसेप्शन एंड, तो अमेरिका की फोर्सेस इंडिया पहुंची हैं और इंडिया की फोर्सेस ऑस्ट्रेलिया गई हैं इस मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए। इनसाइट ऑफ एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया,
इंसेप्शन एंड पास्ट एडिशन कमेंसमेंट असेंबली 2022 में स्टार्ट होता है. इनॉग्रल एडिशन अनफोल्डेड इन महाजन राजस्थान अनफोल्डेड इन महाजन राजस्थान एनुअल ट्रेडिशन है. और एनविजन इज अ रिक्रूटिंग इवेंट दैट एक्सरसाइज इज स्लेटेड टू अकर अल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. कभी इंडिया में है कभी ऑस्ट्रेलिया में है. फिर वही पॉइंट है इस बार कहां पे हुई और इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के अंदर इसका नाम आप मेंशन करेंगे तो आपके मेंस के आंसर में कंपैरेटिवली थोड़ा वजन ज्यादा आएगा. उसके बाद कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग द एक्सरसाइज एम्स टू कल्टीवेट कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस बिटवीन द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलियन आर्म्ड फोर्सेस. वेन्यू वेरिएशन इन लाइन विद द अल्टरनेटिंग पैटर्न दिस ईयर एक्सरसाइज इज शेड्यूल्ड इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्पैनिंग From November 22 से December 6, 2023 तक चलेगी. तो इस टाइम ये कहां पर हो रही है पर्थ में. अब पर्थ में ये एक्सरसाइज हो रही है. इसके अलावा पर्थ का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ठीक कि इंडिया में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो कहां कहां मिलता है. ठीक है तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पर्थ में मिलता है. पांच मिनट पोजिशन द इंडियन आर्मी कंटिंजेंट कंप्राइजेस ऑफ 60 पर्सनल हेलिंग फ्रॉम बटालियन ऑफ द एस्टीम्ड गोरखा राइफल will actively engage in the exercise. Uske baad operational forces terrain emphasize a focal point of Australian 23 involves the execution of multi-domain operations in urban and semi-urban landscape aligning with the chapter 7 of the United Nations regarding peacekeeping operations. Training dimension kya hai? Interoperability hai, promotion the joint exercise serves as platform for enhanced interoperability among the armed forces particularly during tactical operations in the diverse environment. To kul mila ke alag alag mahol ke andar jab indian jab koi bhi duniya ki koi bhi force alag alag mahol ke andar kaam karti hai to obviously bahut kuch seekhne ko unko milta hai. Indian forces un mahol mein gayi hain wo hamare mahol mein aate hain unke mahol mein gaye hain. Strategic implications kya hain? Bilateral understanding beyond the tactical realm. Austro-Hind 23 contributes fostering understanding between the indian and australian militaries. Defense cooperation strengthening the joint endeavor further solidify the foundation of defense cooperation between these two amicable nations. The participation of Indian Armed Forces Austro-Hind 23 exemplifies the commitment of the mutual growth, shared expertise and ongoing reinforcement of friendly ties between India and Australia. So ultimately India Australia relation ko strong karne mein ye role play karegi. Next to aaj itna hi karte hain. नेक्स्ट हम कल की क्लास में आज का करंट अफेयर जो रिमेनिंग बच गया है और कल की क्लास में नया करंट अफेयर जोड़ के हम लोग करेंगे. नेक्स्ट सेक्शन हम लोग जो है इसका जो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं ठीक है ओके.